हाल प्रभु यीशु मसीह आप सबको आज भी आशीष दें इस संसार में अनेक बीमारियों की वजह से त्रासदियों की वजह से लड़ाइयों की वजह से अनगिनत लोग उनके जीवन तो खत्म होने जा रहे हैं कुछ लोग अपने लालच की वजह से पापों के की अभिलाषा की वजह से अपने जीवन को व्यस्त लगा देते हैं और वास्तव में वेस्ट करते हैं कुछ लोग जो वास्तव में महत्व नहीं है उन कामों के चक्कर में बिल्कुल व्यस्त होकर जीवन को तो खत्म कर रहे हैं अधिक से अधिक लोग इस संसार के व्यर्थता और अपने जीवन के भोज और दुख अकेलापन और जीवन के अर्थहीनता की वजह से आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं व्यर्थ ही व्यर्थ व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ हैं हाँ सच में ये सच्ची बात है जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है उनके लिए सब कुछ व्यर्थ ही है इसलिए संसार के अंदर कुछ चीज़ों के पीछे पीछे दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं तो सब व्यर्थता है उपदेशों के वचन से शुरुआत में इस तरह हमें मिला है इसलिए अपने आप से पूछना है क्या आप हवा को पकड़ने के लिए वायु को पकड़ने के लिए तो दौड़ नहीं रहे हैं आज के वचन का शीर्षक है वायु को पकड़ने वाला मनुष्य जीवन सभापतिष के अंदर सोलोमन वास्तव में संसार की व्यर्थता और मनुष्य के जीवन की अर्थहीनता के बारे में और दुख के बारे में बताते हैं इसका शुरुआत कहाँ से होगा अगर ये पूछेंगे तो बाइबल के अंदर हमें मिलता है उत्पाति सबसे पहली किताब बाइबल के तीन अध्याय सत्रह से उन्नीस में हैं ये वचन वास्तव में सब उपदेशों को समझने के लिए एक कुंजी जैसी हैं। मुझको मिला कि मनुष्य क्यों इस तरह बिगड़ गया है क्यों परिवार टूट जाता है और चाहतियाँ क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं और देश भी कितना दुख में पड़ा हुआ है क्यों मनुष्यवा में इतना दुख होता है कारण यह है कि मनुष्य के पाप और उसके परिणाम स्वरूप श्राप की वजह से हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को एकमात्र आज्ञा दी थी शुरुआत में आदम को एदेन के बागीचा के अंदर फले के ज्ञान के जो वृक्ष के फल न खाने के लिए आज्ञा दी थी लेकिन उन दोनों ने तोड़ के खाया है पाप में गिरे उत्पाद तीस तीन अध्याय सत्रह से उन्नीस में पढ़ूंगा और आदम से उसने कहा परमेश्वर ने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस परीक्षा के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना उसको तूने खाया है इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उन डरें उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा जो आज्ञा परमेश्वर ने दी आदम ने उसको तोड़ दी मनुष्य के पाप वो उसकी वजह से वास्तव में मनुष्य के जीवन में श्राप मिल गया है इसलिए जब तक पापों के समस्या का समाधान ठीक से नहीं होता है तब तक के लिए मनुष्य जीवन श्राप में है पेड़ा में है और व्यर्थता में है अर्थहीनता में है परमेश्वर ने संसार को सुंदर बनाया लेकिन जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार पाप से प्रभावित हैं प्रश्न हैं इसलिए मनुष्य पाप में पैदा होते हैं पाप के साथ जीते हैं और पाप के साथ नाश होने वाले हैं पाप की वजह से टूटा हुआ मनुष्य जीवन और ये दुनिया इस दृष्टि से अगर सब उपदेशों को आप पढ़ेंगे तो आप सचमुच में सोलोमन के साथ सामत हो जाएंगे आज के वचन के लिए हम जाए आज के के का वचन सब उपदेशक एक अध्याय बारह से लेकर अठारह मैं उपदेशक ऋषाले में इसराइल का राजा था और मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद भूति से सोच सोच कर मालूम करूं ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगें मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्यों के नीचे किए जाते हैं देखो वे सब व्यर्थ और मानव वायु को पकड़ना है जो टेरा है वो सीधा नहीं हो सकता और जितनी वास्तुओं में खटी है वह गिनी नहीं जाती मैंने मन में कहा देख जितने इर्शाले में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और पावलापन और मूर्खता को भी जान लूं मुझे जान पड़ा कि ये भी वायु को पकड़ना है क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है हम आज के वचन को दो पॉइंट से हम मना करना चाहते हैं पॉइंट वन जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है संसार के कामों को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि लोग पीरा में हैं इसलिए सुलेमान ने आज के वचन लिखा है भौत ने मनुष्य के जीवन को देखा कि उसमें पीरा भरी हुई है तो इसलिए उसने ये कहा कि मनुष्य जीवन पीरा का सागर है दुख का सागर है आज के बच्चों में सोलोमन ने यह कहा कि लेकिन ये पीरा क्या है वास्तव में उसका स्वभाव क्या है उसने कहा यह परमेश्वर की तरफ से मिलने वाला काम होता है परमेश्वर ने उस दुख को मनुष्य जीवन में प्रकट होने दिया है तेरा में इस तरह लिखा ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे पाप में गिरे हुए मनुष्य जीवन में तो अनेक तरह के दुख होता है से ये इस बात का इनकार को कोई नहीं कर सकता है कि मनुष्य के जीवन दुख का सागर है लेकिन संसार के लोग नहीं जानते कि ये वास्तव में दुख कहाँ से कहाँ से आता है भाई हमें यह बताती है कि ये सारे जो दुख वास्तव में हमारे पापों की वजह से हैं और परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर ठहराया है ताकि हम उसमें लगें मनुष्य के जीवन के जो दुख के समस्या का समाधान परमेश्वर ही में है जैसे हमारे पापों के समस्या का समाधान भी प्रभु ईश्वर मसीह के द्वारा परमेश्वर में है वैसे ही हमारे दुख दुख को दुख की समस्या को समाधान करने वाला भी परमेश्वर हैं इसलिए हम अपने अपने दुखों के दुखों की जगह में हम प्रभु ईश्वर को ताकें प्रभु ईश्वर को ताकें और परमेश्वर को ताकें अगर प्रभु ईश्वर विश्वास करना इस बात को इनकार करते हैं और ऐसे ही जीवन जीते हैं तो जैसे सलेमान ने कहा वैसे ही आपका जीवन दुख ही होगा व्यर्थ ही होगा और मनोवायु को पकड़ना जैसा होगा मनुष्य के अंदर जो टेरा है उसको ठीक करने के लिए शक्ति नहीं है जो हमारी जिंदगी के जो कामयाग हैं उसको भरने के लिए हम हमारे अंदर क्षमता नहीं है हम प्रभु यीशु में रहें और प्रभु यीशु में परमेश्वर को ताकहें ताकि परमेश्वर हमारे कामियों को तो थूर करें Hallelujah. जो सूर्य के नीचे किया जाता है ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वह उसमें लगे आकाश और पृथ्वी के अंदर परमेश्वर की इच्छा के बिना उनके हमेशा के बिना कुछ नहीं बन जाते हैं इसलिए मनुष्यवा के दुख भी परमेश्वर के परमिशन के साथ होता है परमेश्वर हम सबका स्वामी है इसलिए परमेश्वर अपना निश्चय अपना डिसीजन करके कार्य कर सकते हैं मनुष्य के पाप की वजह से परमेश्वर का सजा हमें मिलता है तो ये डिसीजन परमेश्वर करते हैं लेकिन उनके अंदर दोष नहीं परमेश्वर प्रेम है लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है इसलिए उनके न्याय हृदय से परमेश्वर सजा भी देते हैं मनुष्य दुख से प्यार नहीं करते हैं जब दुख आता है तो दुख को ताकता है और निराशा में चला जाता है और दुख से भागना चाहते हैं इससे ये प्रश्न आता है कि परमेश्वर क्यों मनुष्यों को दुख होने देता है दुख देने वाला परमेश्वर सच में प्रेम करने वाला परमेश्वर है इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि परमेश्वर प्रेम है लेकिन क्यों दुख को होने देते हैं कारण यह है कि जब परमेश्वर मनुष्य को दुख देता है तब परमेश्वर उनको अपने पास बुलाता है यह सच है हमारे परिवार में के अंदर यह हुआ था हम सच से परमेश्वर को न जानते थे प्रपयुष को न जानते थे ऐसे संसार परिवार थे लेकिन ठीक थे लेकिन कुछ समय के बाद मेरे हाथीन उम्र में थीनेजी की उम्र में पता चल गया कि मेरे पिता दूसरे औरों के साथ तो गलत संबंध बहुत समय से लग रहा था ये सब रोशनी में आ गए हैं उसकी वजह से हमारे परिवार के अंदर घृणा आने लगी हैं और मेरी माता जी निराशा में और हम भी निराशा में पड़ गया हैं स्वच्छ मुझसे दुखित समय था अंधेरा ही अंधेरा था हमें तस्ली चाहिए थी उस समय किसी पड़ोसी ने प्रभु यीशु के बारे में हमें बताया और हम परमेश्वर के प्रेम के अंदर उनके तस्ली के अंदर उनके उधर के अंदर आने लगे हैं हमारे लिए बहुत पूर्ण समय था ये लेकिन उसकी वजह से उस दुख की वजह से परमेश्वर ने हमें, हमें यीशु के पास बुलाया और हमने परमेश्वर के अनुग्रह को उनके उद्धार को अपनाया परमेश्वर हमारे लिए हमारे आँखों से आंसुओं को पहुँचने वाला परमेश्वर है हम आंश बहाते बहाते दुखों में थे लेकिन तब भी परमेश्वर हमारे लिए प्रेम थे जो सूर्य के नीचे किया जाता है चौदह पद में देखो वह सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है जो फिजिकल रहे व काम करते हैं तो बिल्कुल उनको मिथी नींद आती है लेकिन जो धनवान हैं तो अनेक तरीका के डर उसके दिल के अंदर भरा हुआ है पैसों के अंदर कभी संतोष नहीं कुछ लोग पैसों के पीछे पीछे दौड़ते हैं तो पैसों से प्यार करने वाला बन जाते हैं तो ये सब बुराइयों का जड़ है परमेश्वर बिना पैसों के अंदर अपने जीवन को स्थापित करना चाहते हैं अपनी सुरक्षा पाना चाहते हैं तो ये व्यक्ति बहुत मूर्ख हैं बल्कि ये चेतावनी भी है कि ऐसे वालों को परमेश्वर एक रात में बुला भी सकते हैं संसार में से ले जा सकते हैं इस तरह चेतावनी देते हैं भाई लोग परमेश्वर के अंदोरों की वजह से आप खोरिया में आके तो बहुत कमाते हैं आपके बैंक अकाउंट में पैसा मरने लगता है आप शायद आपने तो संपत्ति भी खरीदी होगी जमीन भी खरीदी होगा आप बहुत खुश होंगे लेकिन कभी भी उस आशीषों को उन आशीषों को देने वाला परमेश्वर को न भूलें अगर इस तरह भूल के जाए जिएंगे, तो आप सच समझ से व्यर्थ जीवन जिएंगे, और मनोवायु को पकड़ने वाला जैसे बन जाएंगे चाहे आपकी सैलरी ज़्यादा हो या न हो हमेशा ये याद रखें कि आपके जीवन के उद्देश्य उस परमेश्वर की आराधना करनी है जिसने आपको बनाया जो आपको प्राप्त ईश्वर बचा सकते हैं इस बात को हमेशा स्पष्ट करना है आदमी चला जाएगा प्यार भी चला जाएगा आपकी संपत्ति भी एक दिन जाएगी आपके जीवन भी एक दिन खत्म हो जाएंगे इसलिए इस दुनिया के अंदर स्थाई कोई नहीं है सिर्फ परमेश्वर है जो सचमुच में आपसे प्यार करते हैं आपको मूल्यवान समझते हैं आपको बचाना चाहते हैं वो ही अटल परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर आप उस परमेश्वर को पा सकते हैं तब आपके जीवन व्यर्थ नहीं होगा और वायु को पकड़ने वाले जैसे आप नहीं बनेंगे पुत्री का भेद लेना और बाबलापन और मूर्खता को भी जान लेना सोलह सत्रह भी मैंने लिखा है कि मैंने मन में कहा देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है और मैंने अपना मन लगाया कि पुत्री का भेद लूँ और बाल बाललापन और मूर्खता को भी जान लूँ मुझे जान पड़ा कि ये भी वायु को पकड़ना है पॉइंट वन में जो काम संसार में हो रहा है उनका बारे में बताया ये सब दुख है और वायु को पकड़ना जैसा है कि आज अभी पॉइंट थ्रू में भी संसार में जो ज्ञान के प्राप्ति हो रही है वो वास्तव में क्या है सोलो कहते हैं कि वो भी वास्तव में वायु को पकड़ना जैसा है इक्कीसवीं शताब्दी में हम रहते हैं इसमें तो ज्ञान बहुत महत्व है जिसके पास ज्ञान नहीं है तो वो कमज़ोर महसूस करते हैं जिसके पास है तो वो अपने को बलबन समझते हैं लेकिन परमेश्वर बिना मनुष्य के अंदर जो ज्ञान प्राप्त के लिए जो प्रयास से हैं क्या अर्थ है उसमें चलोम कहते हैं प्यार थे वायु को पकड़ना जैसा होता है क्या यह सच में इस तरह है सोलो मैं कि इस बात को हल्के मत समझ लीजिए क्योंकि वो संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है और उसका निश्चय है अपने जीवन को जी के उसने इस तरह निश्चय किया है मैं उदाहरण देना चाहता हूं संसार के वैज्ञानिक लोग, स्त्री लोग इतने साइंस ज्ञान के बावजूद भी जीवन के बारे में वर्णन नहीं कर सकते हैं जीवन के स्वभाव है क्या और जीवन कहाँ से शुरू हो गया वो बता नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे ही हो गया ऐसे ही विकसित हो गया और अभी मनुष्य जीवन इस तरह है मनुष्य के वैज्ञानिक ज्ञान वास्तव में जीवंत का स्रोत जीवंत का स्वामी परमेश्वर सृष्टिकर्ता की बुद्धि को उनके शक्ति को नहीं समझ सकते परमेश्वर बिना मनुष्य के जी ज्ञान वास्तव में मनुष्य के पाप की समस्या का भी समाधान नहीं कर सकता और मनुष्य के जो ज्ञान मनुष्य के अंदर जो आत्मिक खाली पाण है उसको नहीं भर सकता इक्कीसवीं शताब्दी में आके इतने ज्ञान भर रहा है ज्ञान के भरपूरी हो रहे हैं लेकिन हमारा संसार और कुरूर होते जा रहा है और स्वर्थ होते जा रहा है और गंदे होते जा रहे हैं मनुष्य के जो ज्ञान ठंडा हुए जो प्रेम को फिर से लुटा नहीं सकता मनुष्य के ज्ञान फिर समाज को चंगा नहीं कर सकता है मनुष्य के ज्ञान जाति को बचा नहीं सकता इसलिए सोलोमन जैसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य के ज्ञान के जो प्राप्ति की प्रयास हैं वायु को पकड़ना जैसा है क्योंकि मनुष्य का ज्ञान सत्य नहीं है पृथ्वी का वेद लेना और बवलापन और भुक्ता को भी जान लेना क्या मतलब है ये विर्थ है क्यों अठारह पर बताते हैं कि क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है मनुष्य क्यों ज्ञान की तलाश करते हैं क्या स्वभाव्य होने के लिए कमंद करने के लिए या मनुष्य के अंदर ये छिपी हुई है यह अभिलाषा क्या सुख होने के लिए या सबसे बहुमूल्य समझ के अभी बताया था कि सोलोमन ने और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूँ और बल बबलापन और मृखता को भी जान लूँ मुझे जान पा रहा कि ये भी वायु को पकड़ना है मनुष्य के अंदर जो ख्यान की जो प्यास है उसके अनुसार जो ख्यान को प्राप्त करने के लिए कोशिश क्यों वायु को पकड़ना जैसा है कारण यह कि उसके अंदर मनुष्य के उद्धार की आशा नहीं है और प्रैक्टिकली कारण ये है कि अठारह पौध में जितना ज्ञान भरेगा उतना मनुष्य थक जाएंगे इक्कीसवीं इक्कीसवीं शब्द शताब्दी में मनुष्य के जो अकैडेमिकल जो क्वालिफिकेशन ज़्यादा बढ़ गया है, अधिक से अधिक लोग अभी यूनिवर्सिटी भी विश्वविद्यालय भी जो पढ़ने लगे हैं तो समाज में ज्ञान बढ़ गया लेकिन क्या समाज सचमुच में और सुख हो गया नहीं उल्टा हो गया ना संसार के मनुष्य के लोगों के ज्ञान भर गया लेकिन क्या संसार के अंदर और शांति होने लगी है नहीं इन ज्ञान की वजह से संसार के सामाजिक लोग सामान्य तौर से और घमंड हो गया और लड़ाई झगड़ा होने लगे हैं सोल सच बोल रहे हैं बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है हम बहुत पर देखते हैं कि जिनके पास ज़्यादा ज्ञान है लेकिन वो और क्रूरता के साथ कार्य करता है और जिनके पास ज्ञान है वो खमंड हो जाता है ये बाइबल की चेतावनी है ज्ञान वास्तव में मनुष्य को खमंड बनाता है इसलिए ज्ञान वास्तव में पापी का परिवर्तन नहीं बना सकता है पापी का परिवर्तन तब आता है जब उसके अंदर यीशु मसीह का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम बह जाता है ख्याल के द्वारा आदमी का सिर जो बढ़ने लगता है लेकिन जब प्रभु ईश्वर कोई भी पापी विश्वास करें है मैं पापी हूँ परमेश्वर मेरे को क्षमा कर प्रभु ईश्वर ने मेरे लिए अपने लहू बहाया मैं मानता हूँ इस तरह विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम उनके दिल के अंदर उमरने लगता है और वो व्यक्ति प्रेम करने लगता है परमेश्वर से और मनुष्यों से प्रेम करता है तब वो व्यक्ति सचमुच में जिंदगी का सुख पाता है प्यारे भाइयों हमने आज के वचन के द्वारा ये सीखा कि मनुष्य जीवन हम कैसे जिये जो सूर्य के नीचे किया जाता है चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वह काम हो सब व्यर्थ हैं दुख हैं और मानो वायु को पकड़ना है इस तरह अगर संसार के स्वभाव इस तरह होते हैं तो हम कैसे जिए मैं एक के जो से, सेवा के संत के संत हैं प्रेरित के गवाही में पढ़ना चाहता हूँ फिलिपियों की किताब तीन अध्याय सात से लेकर नौ परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है और अब मैं अपने प्रभु ईश्व मसीह ईश्व की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कोड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था व्यवस्था से हैं वर उस धार्मिकता के साथ जो मसीहा पर विश्वास करने के कारण हैं पुरुष प्रेरित अच्छा खानदान के थे सामाजिक राजनीतिक शक्ति भी उनके परिवार में थी और सचमुच वे में में भी बहुत बहुत ऊंचा आदमी था बहुत कुछ था उसके पास लेकिन जब उसने प्रभु यीशु को पाया है उनके ये संसारिक गमंत की बात अंधेरा हो चुके हैं वो उनकी बात है सब कुछ उन्होंने कुरा समझ लिया है प्रभु के ख्यान के उत्तमता के सामने उनका कुछ बुल नहीं था ये है हम कैसे अपने जीवन को व्यर्थता में न जाने दें हम कैसे अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं सच में सक्सेसफुल बना सकते हैं दो बातें जरूर याद रखिएगा पहले ये कि जो बदलने वाले चीज़ें हैं संसार में उनको कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य न बनाएं चाहे काम हो चाहे पैसे हो चाहे पढ़ाई हो चाहे संसार के सुख इनको कभी भी जीवन के उद्देश्य न बनाएं अगर ये प्राप्त करेंगे फिर भी आपको व्यर्थता और अर्थहीनता जरूर महसूस होगी तो क्या करना है दूसरी बात यह है कि कभी न बदलने वाले परमेश्वर को अपने जीवन के उद्देश्य बनाएं इसका मतलब यह है कि प्रभु ईश्वर विश्वास करें और उनके लहू से पाप क्षमा पाए उद्धार पाएं छुटकारा पाए और प्रभु यीशु में आपके सृजन हर परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर को पाए और उनके संतान बन जाए और अपनी इच्छा से नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा और उनके महिमा के लिए जीवन जिये प्रभु ईश्वर विश्वास करें प्रभु यीशु में परमेश्वर को पाए तो आपके जीवन पीड़ा से व्यर्थता से वाई को पकड़ने में से बाहर आ जाएंगे और सचमुच में आप सच्ची शांति और सच्ची आजादी आप अनुभव करेंगे प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा और आजादी और शांति है हाल लुया यीशु मसीह आपको सचमुच में आजाद करें सारे सांसारिकता से हाल लुहिया